Next topic is multiplication of rational numbers. For any two rational numbers, A upon B and C upon D. A upon B and C upon D, these are two rational numbers. Inko multiply karna hai. So we can write this A upon B multiply C upon D is equal to A multiply C upon B multiply D. इट मीन्स अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें एलसीएम नहीं लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7, दीज आर टू रैशनल नंबर्स. इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 5 जा 10 और 3 7 जा 21. ओके, properties of multiplication of rational numbers. First property is closure property. According to this property, the product of two rational numbers is always a rational number. अगर किसी भी दो rational number का जो product होता है वो भी एक rational number ही होता है. Suppose we have two rational numbers A upon B and C upon D. The product of these rational numbers is also a rational number. Consider 1 upon 2 and 5 upon 7. Then 1 upon 2 multiply 5 upon 7. 1 multiply 5, 5 upon 2, 7 is 14. So 5 upon 14 is also a rational number. Next property is commutative property. In this property, two rational numbers can be multiplied in any order. Then product will be equal. इसमें क्या है कि किसी भी दो rational number को किसी भी order में multiply करो तो उनका product equal आता है. For example, consider two rational numbers are 1 upon 3 and 4 upon 5. Then 1 upon 3 multiply 4 upon 5. Then 4 1 जा 4, 3 5 जा 15 and 4 upon 5 को 1 upon 3 से multiply करो. 4 1 जा 4, 5 3 जा 15. ठीक है, किसी भी ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें टू रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन दिस प्रॉपर्टी व्हाइल मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर. इसका मतलब यह होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन रैशनल नंबर्स या तीन से ज्यादा रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ग्रुप बना करके मल्टीप्लाई करते तो उनका आंसर सेम आता है. कंसीडर 2 अपॉन 3, कंसीडर थ्री रैशनल नंबर्स 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 2. पहले हम फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाते हैं. 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, ये ब्रैकेट में डाल दिया हमने मल्टीप्लाई, फिर जो थर्ड रैशनल नंबर उसको बाहर लिख दिया हमने. सॉल्व करते हैं तो 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2. सो 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, इट मींस 4 अपॉन 5. एंड अब ग्रुप चेंज करते हैं, अब सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाते हैं और फर्स्ट वैल्यू को ग्रुप से बाहर लिख लेते हैं. सो ग्रुप में सेकंड और थर्ड वैल्यू को लिखते हैं. 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2. So 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 is equal to 2 upon 3, 2 3 जा 6 upon 5, 3 2 जा 6, it means 2 2 जा 4 upon 5. अगर हम ग्रुप चेंज करके मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम आते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फॉर एनी रैशनल नंबर a अपॉन b, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है a अपॉन b, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को a अपॉन b से मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर क्या आएगा a अपॉन b. तो किसी भी रैशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए अपॉन बी हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स.
बी अपॉन ए. सो बी अपॉन ए इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी. अगर किसी का भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसका न्यूमिटर को डिनोमिटर में कन्वर्ट कर दो, न्यूमिटर को डिनोमिटर में. फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3.